Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture, we will analyze our second unit, that is Comparative Method and Strategies for Comparison. Friends, in our YouTube channel, two type of audience, some students from the South India and Northeast region, they are comfortable in English language, and some other students are comfortable in Hindi language. So I deliver my language in both Hindi and English. Okay, so let's start with introduction part. Friends, what is comparison? So comparison is a very basic human endeavor, and directly or indirectly we keep on comparing many things around us. And in the especially discipline of political science, using comparative methods, one can not only explain the general descriptive or characteristic of the institutions and the systems, but also provide a better understanding of the political systems, the pattern, the similarities and the differences. सिंपल सी मैंने बोला कि कंपैरिजन जो होता है फ्रेंड्स, वो एक ह्यूमन बेसिक गुण है. अगर हम बात करें, हम चीज़ों को कंपेयर अक्सर करते हैं. जैसे एक छोटी सी आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कोई भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम मान लो आप वही लेक्चर किसी दूसरे चैनल पे भी आप सुनते हैं, तो आप ऑफकोर्स कंपेयर करेंगे, है ना. और आपको जो बेहतर लगेगा, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और जो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आप ऑफकोर्स आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे और आप उसी के साथ जुड़ जाएंगे. सेम हम फूड, कहीं पे हम खाना खाने जाते हैं या और कोई ऐसा चीज़ बाहर हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी जहाँ पे हमें चीज़ें पसंद आती हैं, जो हमारे हमें अच्छा लगता है, फिर हम वहीं पे कंटिन्यू जाना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स खाते हैं. ये सब जो चीज़ें हैं, तो बेसिक है ये. कंपैरिजन एक बेसिक ह्यूमन गुण है और हर कोई कंपेयर करता भी है. बट क्योंकि हम यहाँ पे सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, वी स्टडी द पॉलिटिकल साइंस. सो उस रूप में अगर हम देखें, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम समझें कि पॉलिटिकल हम जो कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ में आसपास, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव जो कंपैरिजन का बहुत बड़ा रोल है. क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि देखो, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अलग अलग उनका वोटिंग बिहेवियर किस तरीके से है, उनके वहाँ पर रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं. सो हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, वी कंपेयर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द वेरियस कंट्रीज एंड देयर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर पॉलिटिकल फिनोमिना एंड देयर सोशल इश्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस. तो इन सब चीज़ों को हम फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं. उसी में अगर हम बात करें, दैट इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंपैरिजन एज ए मेथड ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, स्कॉलर्स हैव यूज्ड वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड विच वी ऑफकोर्स वी विल डिस्कस लेटर इन दिस यूनिट. एंड सम ऑफ द मेथड्स आर लाइक एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड एंड स्टैटिक्स बेस्ड मेथड, हिस्टोरिकल मेथड. एंड दीज मेथड्स आर द बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स which used by the various scholars and political scientists for getting the in-depth knowledge of the political system of the different countries. है ना. तो अगर हम बात करें कि जो कंपैरिजन की हमने जो एक बात देखी कि हम उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो उसी में है कि इस कंपैरिजन में वेरियस मेथड हम यूज़ करते हैं, और वो इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे भी. जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको नाम उनको मेंशन कर देना है कि जो डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, स्टैटिक्स जो बेस्ड मेथड होता है जिसमें नंबर गेम चलता है वो, इसके अलावा हिस्टोरिकल मेथड. दीज आर द मेथड्स यूज्ड बाय द वेरियस स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट फॉर गेटिंग द इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल फिनोमिना एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. दो चीज़ आपको इसमें इंट्रोडक्शन में ही मैं और बता दूं फ्रेंड्स, कि जो ये वेरियस साइंटिस्ट और स्कॉलर जो टर्म्स यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, तो दे यूज्ड बोथ एम्पेरिकल रिसर्च एज वेल एज द क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो
आप इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार मैंने अक्सर देखा है फ्रेंड्स की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। पता है हम पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बस हमें पास होना है, जैसे भी करके हमें पास होना है, फालतू हमें इससे ज़्यादा हम सोचते भी नहीं है इंडियंस। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना तो उसको फील करो, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करो। तो जैसे मैंने अभी जो वर्ड बोले कि एम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो मतलब इनका अगर आपको पता आ गया ना तो आप बहुत बेहतर तरीके से आपने आंसर भी लिख सकते हैं और आप डिबेट भी अच्छी कर सकते हैं। अब जैसे इसका अंतर मैं आपको बताता हूँ, एम्पेरिकल रिसर्च मीन्स इट इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाई मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई फूड आपने ट्राई किया, आप दो तीन शॉप पे अलग अलग गए और आपने एक जगह, मतलब सबका ही आपने फूड ट्राई किया लेकिन एक जगह आपको लगा कि नहीं बेस्ट है भाई, हमें बहुत अच्छा लगा। सो इट्स योर ऑब्जर्वेशन, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस। सेम मैंने कहा कि आपने मेरे यहाँ पे इस अपने जो कम्युनिटी है पैरालीगल स्टडीज़, उस पे वीडियोस देखी, किसी और जगह पे प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखी, फिर आपने कंपेयर किया और एक्सपीरियंस में आपका, क्योंकि आपने दोनों सुने हैं तो आपको जो बेहतर लगा आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एम्पेरिकल रिसर्च, मीन्स विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है व्हेन वी फोकस ऑन द कलेक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने शॉप का एग्जाम्पल दिया, तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि यार एक शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा पर्सन है, एक शॉप पे कुछ ही भीड़, मीन्स ज़्यादा लोग नहीं है। तो हमने देखो, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने ऑब्जर्वेशन नहीं की, है ना, हम सिर्फ एक डाटा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ना ना वहाँ भीड़ ज़्यादा है, वहाँ भीड़ कम है। तो वो उस तरीके का जो डाटा हम जो कलेक्शन कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो दोनों ही मेथड का पॉलिटिकल स्कॉलर्स और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं फॉर कंपेयरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट, लग रहा है बैटरी लो हो गई, एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। क्या लेक्चर बन पाएगा हमारा, 10% है, लेट्स सी, देखते हैं। या फिर जस्ट एक मिनट आप मुझे दें फ्रेंड्स, मैं चार्जिंग एक बार ये लगा दूं, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी बीच में, अगर क्योंकि काफ़ी मेहनत से लेक्चर बनता है और वो अगर पावर ऑफ हुआ तो। जस्ट आप एक मिनट दें मुझे। हाँ जी, सॉरी। सो ये सब जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, ये सब सारे पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है, और ये सब आपको आंसर में अपना लिखना भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट दैट, जस्ट फ्रेंड्स, व्हाई वी नीड द कंपेरेटिव, मीन्स वी कैन से द कंपेरेटिव मेथड, बट व्हाई कंपेयर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कंपेयर हम करते क्यों हैं। सो द फर्स्ट यू नो फर्स्ट द आंसर ऑफ वाई इज सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च। सो वट इज मीन बाई सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च? सो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड फॉर मोस्ट साइंसिस एक्सपेरिमेंटेशन इज द वे टू टेस्ट थ्योरी, बट फॉर पॉलिटिकल साइंस कंपेरिजन इज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल साइंस कैन बी एन एक्सपेरिमेंटल साइंस ओनली रेयरली। सो देयर फॉर कंपेयरिंग वट हैपन्स वैन डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर देयर ओन रीजन्स मॉडिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फॉर देयर पार्टी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्डर्स। सिंपल सी हम बात करें कि कंपेरेटिव मैथड हम क्यों करते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहला है फॉर द सोशल साइंटिफिक रिसर्च के लिए। देखो,
अगर आपने केमिस्ट्री देखे, हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब में क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लैब में हम प्रॉपर इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके हम फाइनली किसी कंक्लूजन पे, थ्योरी पे हम पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज में, तो उस तरीके का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, उस तरीके का एक्सपेरिमेंट, सॉरी मीन्स कंपैरिजन मैंने गलत बोला, कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक द साइंस सब्जेक्ट में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ह्यूमैनिटीज में नहीं कर सकते। ये बात तो आपको भी मीन्स ऑफ कोर्स आपको पता होगी है कि सोशल जो साइंस सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हैं, सोसाइटी बदलती है, हर एक कंट्री का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक के वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है ना, लोगों का रहन सहन, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मीन्स अलग हैं। सो कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है, अगर हम सिंपल बात करें कि उसमें सोसाइटी भी और उसमें साइंटिफिक भी, तो यहाँ पे जो सोशल एंड साइंटिफिक का रिसर्च का मतलब भी ये है कि अगर हम साइंस के सब्जेक्ट में जाएंगे तो वी प्योरली फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंट पार्ट, रिसर्च पार्ट, है ना। लेकिन हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेंगे, थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, और इसके अलावा हम सोसाइटी को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस जो हैं सोसाइटीज में, कॉन्स्टिट्यूशंस में, इस तरीके से हम कंपेयर करके और फिर हम बेहतर तरीके से एक अपनी कंपेरेटिव मेथड्स का यूज़ कर पाएंगे फॉर बेटर द फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम। इसी में ही अगर हम बात करें कि एक बहुत बड़े अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं और जेम्स कॉलमन, उन्होंने बोला दैट यू यू कैन नॉट बी साइंटिफिक इफ़ यू आर नॉट कंपेयरिंग। तो यहाँ पे जो इनका जो बड़ा ब्यूटीफुल इन्होंने बोला है, जेम्स कॉलमन ने, उन्होंने कहा है कि जब तक आप साइंटिफिक नहीं हो सकते, सिंपल है, हम जब तक साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम कंपैरिजन करना नहीं जानते। तो मीन्स ये कहना ये चाह रहे हैं कि कंपैरिजन बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में हो, ह्यूमैनिटीज़ में तो उसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बट इवन आप अगर साइंस में, अगर आप फिजिक्स में, अगर आप केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपको पास्ट की जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको उठाना होगा, उनको कंपेयर करना होगा, उनके लूप होल्स, उनकी कमियों को आपको समझना होगा, तभी तो आप बेहतर एक थ्योरी दे पाएंगे ना। सो यही वो कह रहे हैं कि कंपेरिजन जो है वो बहुत एक बेसिक पार्ट है, इवन फॉर द साइंटिफिक, आप अगर आप मेथड करते हैं उसके लिए भी। इन द सेम वे यहाँ पे दो वर्ड आपको समझने होंगे कि जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे लाइकलीहुड, एक प्रोबेबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी की सिचुएशंस अराइज होती है। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मान लो हम, अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्कॉलर के रूप में आप रिसर्च करते हैं, कल को आप मास्टर्स और पीएचडी करते हैं, आप कोई थीसिस लिखेंगे, तो अभी अभी आपने देखा होगा कि जो कई पॉलिटिकल पार्टियाँ इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देती हैं कि किस बूथ पे कहाँ पे हमारी खिलाफ वोटिंग हुई है, कितनी महिलाओं ने वोट की है हमें, किस एरिया में हमारा ग्राफ कमज़ोर है, मीन्स कहाँ पे हमें वोट नहीं मिली, है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर न्यूज़पेपर में भी देखी होंगी, एनालिसिस भी की होंगी। तो ये क्या चीज़ शो करती है, ये शो यही करता है कि आपको एक, ये सब जो चीज़ें अगर आप एनालिसिस करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, तो आपको एक पॉसिबिलिटी, एक लाइकलीहुड, एक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आने वाले इलेक्शंस में वहाँ पे, जहाँ पे इस दौरान आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। आप इस चीज़ से सहमत जरूर होंगे। अगर आप उसमें नहीं जाना, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। मान लो आपने एग्ज़ाम दिया दिसंबर का या लास्ट जून वाला एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपको लगा कि यार शायद हमने उतना अच्छा नहीं किया, तब कंपैरिजन करोगे ना, कहाँ पे कमी रही, कौन से लेक्चर शायद हमें और ज़्यादा सुनने चाहिए थे, शायद हमें राइटिंग पार्ट इम्प्रूव करना चाहिए था। ये सब चीज़ें जब आप कंपेयर करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, वही लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप बेहतर करेंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द मीन्स वेरियस थिंग्स अंडर द सोशल साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने जो सबसे पहले मीन्स जो नोट्स लिए हैं और उनके जो दिसंबर में भी जो एग्ज़ाम हुए स्टूडेंट्स के, और उनका जो रिस्पांस मिला, और पहले जो कुछ स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिए थे,
तो मुझे बहुत, सबसे पहले तो एक बहुत खुशी मिलती है जब आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ऑफ कोर्स आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, और कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सुझाव भी देते हैं, बट पॉजिटिव जो फीडबैक है उसके लिए आपको दिल से थैंक्स, एंड इवन फॉर आपके रिव्यू के लिए भी। तो नोट्स क्यों आपकी इतनी हेल्प कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो ऑफ कोर्स वो इसीलिए हेल्प कर पा रहे हैं क्योंकि नोट्स आपको टू द पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले, मेरा नोट्स बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला कि क्योंकि इग्नू का मटेरियल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल भरा है, तो स्टूडेंट्स ने ही, मुझे आज भी याद है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि स्पेशल सर, आप अगर हो सके तो आप नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम बाई भी कर लेंगे, क्योंकि वो आपकी खुद की आपकी मेहनत है उसके पीछे। तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट टाइम ऐसे अगर सुन रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, जितने भी मेरे यहाँ पे लेक्चर होते हैं, जैसे BPSC 101, 102, 103, 104, BPAZ 172, अम्बेडकर वाला, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, मीन्स जो भी आपको वहाँ पे चैनल, जो प्लेलिस्ट में जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उससे रिलेटेड, अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज या मेल कर सकते हैं, और 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको वो किसी भी कोर्स के नोट्स चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे। और उसमें बस एक चीज़ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वो यही है कि उसमें एक तो आपकी जो पूरी यूनिट है उसको 4 से 5 पेज में वो नोट्स होते हैं। दूसरा, अगर आप लेक्चर सुनते हैं और अगर 1 से 2 बार अगर आप नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा, और जो ज़रूरत है वहाँ पे वही सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी। दूसरी, एक नोट्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं स्पेशली पॉइंट आउट कर दूं, कि जैसे जो अभी मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया फ्रेंड्स, तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो इग्नू का जो कई बार मटेरियल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इग्नू के मटेरियल से उठा ली, कुछ गूगल से उठा ली, कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट कोई रेफरेंस जो बुकें हैं जो आपके इग्नू में ही दी हुई होती हैं, तो उनको सर्च करके वहाँ से कुछ उठाया, इस तरीके से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट्स खुद से बना रहे हैं, खुद से जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, वो ऑफ कोर्स करें, लेकिन जो अफोर्ड्स कर सकते हैं और मेरे लिए 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ही हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट करके और नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड द इंटीग्रेटिव थिंकिंग। तो वापस से चलते हैं कंपेरेटिव मेथड। वाई कंपेरिजन में मैंने आपको सोशल साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताया एक तो अच्छे से, दूसरा जो है वो है इंटीग्रेटिव थिंकिंग। इंटीग्रेटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थिंकिंग विद कंपैरिजन। सो थिंकिंग विद कंपैरिजन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनालाइज द स्पेसिफिक सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमिना। एंड यहाँ पे तीन थिंकर जो आपको ध्यान रखना है, तो इंटीग्रेटिव थिंकिंग में एक तो मैंने कहा कि थिंकिंग विद कंपैरिजन, कि जब आप कंपैरिजन करो तो आप पहले सोचो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप लेक्चर सुनते हैं, आप सेम किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर सुनते हैं, तो आप पहले सुने दोनों जगह पे और फिर कंपेयर करें, है ना, थिंकिंग करें उसके ऊपर, विचार करें, एनालिसिस करें। तो थिंकिंग विद कंपैरिजन बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमिना के लिए। और इसमें जो स्वेंसन जो थिंकर हैं उन्होंने बोला कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं विदाउट थिंकिंग, तो एक्चुअल में आपने समझो कुछ भी नहीं किया। सिंपल हम भाषा में बात करें तो स्वानसन जो है वो ये बोलते हैं कि थिंकिंग एक नेसेसरी पार्ट है कंपेयर करने के लिए। सेम एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं एमाइल डर्खाइम, उन्होंने भी ये बोला कि जब दो चीज़ों के बीच में हमें कंपेयर करना हो तो उस दौरान हमें थिंकिंग पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कहीं पे सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे दिल्ली में सुसाइड हो रहे हैं या मुंबई में हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पे चीज़ों का एनालिसिस करना होगा कि दिल्ली में क्यों हो रहे हैं, या कोटा में, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कोटा में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, तो क्यों कोटा के स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो सेम आपको एनालिसिस करना होगा, पहले आपको थिंकिंग करनी होगी, है ना। तो इसमें एमाइल डर्खाइम का भी आप रेफरेंस डाल दें। एक अनदर थिंकर है मोहेंटी, वो ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट वी शुड फोकस ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग द फिनोमिना एंड देन फाइनली गिव द कंक्लूजन। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी जब हम एनालिसिस करते हैं, तो सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटीज, इन सब को उठा के फाइनली हम किसी कंक्लूजन पे हमें पहुंचना चाहिए, तो उसमें भी ये थिंकिंग के ऊपर जोर देते हैं। तो इंटीग्रेटिव थिंकिंग में तीनों ही थिंकर
जो मैंने बोला स्वेंसन, इमाइल डर्खाइम, मोहंटी, ये सब पॉइंट आउट करते हैं कि दैट थिंकिंग इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंपैरिजन। और अगर हम थिंकिंग नहीं करते हैं और जस्ट चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वी वर्क्स लाइक ए मशीन, हम मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट हैं वो मशीन के रूप में नहीं चल सकते। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स आर लिविंग, दे आर रिलेटेड टू द सोसाइटी, दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग। सो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल लिविंग होना पड़ेगा और उसी के लिए थिंकिंग जो है वो सबसे नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें क्या है ना, जो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं तो वहाँ पे टू द पॉइंट्स नोट्स में आपको मिल जाती हैं और इसीलिए वो चीज़ें आपको इजी होती है और इसीलिए स्टूडेंट्स का रिस्पांस बेहतर भी मिलता है ना। तो बस यही एक रीज़न है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेथड ऑफ द कंपेरिजन। सो स्कॉलर्स हैव यूज्ड ए वेराइटी ऑफ कंपेरेटिव मैथड्स इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द फर्स्ट मैथड इज़ द एक्सपेरिमेंटल मैथड। अब देखो अगर हम बात करें कि वेरियस जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेथड। तो फ्रेंड्स इन जर्नल इफ़ वी यू नो एनालिसिस इन द जर्नल वे दैट एक्सपेरिमेंट मेथड इज़ नॉट पॉसिबल इन द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ यू नो फाउंडेशन ऑफ द साइंस सब्जेक्ट एंड द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, नॉट फॉर द सोशल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। बट स्टिल एक्सपेरिमेंट मैथड इज द फर्स्ट स्टेप है ना टू एनालिसिस, टू कंपेयर द थिंग्स, टू कंपेयर द डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द फिनोमिना। तो सिंपल हम बात करें कि एक्सपेरिमेंटल जो मैथड है वो वैसे तो साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम एज सच ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम ह्यूमैनिटीज में तो एनालिसिस कर सकते हैं, हम थिंकिंग कर सकते हैं, हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन लैब थोड़ी ना है। मतलब मीन्स उस रूप से अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी नहीं है सोसाइटी है ना। बट स्टिल अगर हम बात करें, क्योंकि आपको जो फर्स्ट स्टेप अगर उठाना है आपको, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या उठाएंगे, आप डाटा उठा सकते हैं है ना। इसके अलावा आप एक एक्सपेरिमेंट इस सेंस में आप ले सकते हो कि आप वहाँ पे ह्यूमन को जा के पर्टिकुलर उनसे पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इसके अलावा आप अगर हम बात करें कि कुछ और ऐसे साइंटिफिक जो मेथड्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हम बात करें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वैसे ऑल्दो द एक्सपेरिमेंटल मेथड हैज़ द लिमिटेड अप्लीकेशन इन द सोशल साइंसेज एंड इट प्रोवाइड द मॉडल ऑन विच मैनी सोशल साइंटिस्ट एस्पायर टू बेस देयर स्टडीज, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश दैट वन कंडीशन लीड्स टू द अदर है ना। तो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको कि जस्ट शुरुआत करने के लिए एक बेहतर है, एक बेहतर स्टेप हो सकता है, और उससे वो जो एक्सपेरिमेंट मेथड आपका वो आपको एक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा, वो एक आपको रास्ता दिखाएगा और उसके थ्रू चल के आप बेहतर तरीके से फिर बाद में चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैथड। तो ये पहले कदम बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो सही है कि मशीन की तरह ही हम और ऑब्जेक्ट की तरह ही चीज़ों को हम पहले एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन बाद में फिर हम धीरे धीरे स्विच हो जाएं मोर ह्यूमैनिटिक, मोर सोशल और सोसाइटी की तरफ। तो इस तरीके से आप इसको समझोगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स केस स्टडी मेथड। सो केस स्टडी इज एन इन डेप्थ मेथड and which focus on the real world context, and generally a case study can highlight an individual, group's, organization, belief system and action, and case study doesn't necessary to have an one observation but many observations also, and according to the famous social scientist Alex de Tocqueville, classic studies of the French Revolution and the American Civil War to show how comparative explanations can be made by focusing on any single issues. तो case studies में हम बात करें तो हम इसमें in depth knowledge particular किसी issues के ऊपर हम बिल्कुल depth analysis करते हैं, उसको समझते हैं, उसको observe करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम उस पर अपना रिसर्च करते हुए finally चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। सो केस स्टडी इज़ ऑल्सो द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर इन द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या कंपेरेटिव मेथड। और उसमें जो टोकेवली हैं उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशंस के बारे में, अमेरिकन जो वॉर हुआ
इंडिपेंडेंस का जो वॉर, तो उन सबको उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने अपनी इस चीज़ में बोला कि केस स्टडी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है फॉर कंपेयरिंग द थिंग्स। ठीक है, तो एक केस स्टडीज में सारी बातें आपको फ्रेंड्स लिखनी है। नेक्स्ट जो है हमारा, इट्स बेस्ड ऑन द यू नो स्टैटिक्स मेथड, है ना। अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, स्टैटिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन द नंबर, जो नंबर का गेम होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वोटर जो टर्न आउट है, जैसे किसी स्टेट में वोटर जो टर्न आउट है वो हो रहा है 70%, कहीं पे वोटिंग जो टर्न आउट है वो 50%, सेम कहीं पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कौन पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, वोटिंग पैटर्न में मीन्स कहीं पे जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा वोट कर रही हैं, कहीं पे जो 18 साल से जस्ट अभी जिनको वोटर राइट मिला है, वोटिंग राइट मिला है, वो कहीं पे बढ़ चढ़ के ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंपल वे इसमें हम बात करें तो स्टैटिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, वी यूज़ वेरिएबल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई नंबर्स, दैट इज़ वोटिंग पैटर्न, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर परफॉर्मेंस, वोटर टर्नआउट, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। और इन सब में क्या है, इन सब में हम नंबर को, हम डाटा, हम प्रॉपर फैक्ट पे हम बात करते हैं, है ना। तो ये है स्टैटिक जो मेथड है, एक अनदर मेथड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फोकस्ड कंपैरिजन, इसका क्या मतलब है, सो दीज स्टडीज टेक अप ए स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज, ऑफन जस्ट टू और वी कैन से द फ्रीक्वेंटली ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स रेदर देन द होल एस्पेक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है, फोकस्ड कंपैरिजन मतलब आपने फॉर एग्जांपल उठाया इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन, तो आप सारे एस्पेक्ट पे बात ना करके सिर्फ दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट देख रहे हैं, पहला मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। मान लो आप ये सिर्फ दो एस्पेक्ट आपने उठाया कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वहाँ पे काम कर रही हैं और मिलिट्री क्या कर रहा है, तो आप पाएंगे कि हाँ इंडिया में मिलिट्री जो है वो जस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बट इन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज और मिलिट्री वो क्या हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन तो पॉजिटिव टर्म होती है, अगर हम सिंपल सी बात करें कि इंटरफेयर, हाँ ऐसा कह सकते हो कि जो आर्मी है दे ज्वाइन दे बिकेम द इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स एंड सेम पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस इन द आर्मी, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो सिंपल मैं बात करूँ तो फोकस्ड कंपैरिजन में क्या होता है, वी फोकस्ड ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेदर देन द ऑल एस्पेक्ट, तो तब इसी का नाम है फोकस्ड कंपैरिजन। टू काइंड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन इसमें होते हैं, इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट। इन दो वर्ड का आपको मतलब फ्रेंड्स समझ आना चाहिए सबसे पहले, कि इम्प्लिक्ट जो कंपैरिजन होता है उसमें होता है, जो सिंपल सी बात करें, एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही स्टडी करना इम्प्लिक्ट। जैसे अभी हमने ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जो टोकेवली थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छे से की स्टडी की, और अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ उसमें, तो अमेरिकन सिविल वॉर की जो प्रॉपर स्टडी करना एक पर्टिकुलर देश के बारे में स्टडी करना वो है इम्प्लिक्ट बाइनरी कंपैरिजन। और एक्सप्लिक्ट जो पेयर्ड कंपैरिजन है उसमें क्या है, दैट यू कंपेयर बिटवीन द टू कंट्रीज, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन, दैट इज आल्सो नोन एज द पेयर्ड कंपैरिजन, एंड इम्प्लिक्ट कंपैरिजन इज आल्सो नोन एज द बाइनरी कंपैरिजन। सो इम्प्लिक्ट बाइनरी कंपैरिजन एंड द एक्सप्लिक्ट पेयर्ड कंपैरिजन, तो ये सब टर्म आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, ये है फोकस्ड कंपैरिजन। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मेथड, सो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च इज ए मेथड ऑफ सोशल साइंस दैट एग्जामाइन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एक्सप्लेनेशंस दैट आर वैलिड बियॉन्ड ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, एंड वी कैन से इन द सिंपल टर्म्स दैट द वेरियस स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑल्सो फॉर एनालाइज़ द डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द पैटर्न्स। सो हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि कंपैरेटिव जो हम हिस्ट्री रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री को भी एनालिसिस करते हैं कि पहले पास्ट में उस इवेंट में क्या हुआ और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इस तरीके से हम चीज़ों को एनालिसिस करते हुए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक जो फीमेल जो थिंकर हैं, जो आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वैसे थिंकर जब लेडी कोई थिंकर होती हैं तो उसको हमें हमेशा मेंशन करना चाहिए,
स्कॉप पॉल उनका नाम है, ठीक है ना। तो स्कॉप पॉल पॉइंटेड आउट दैट कंपैरेटिव हिस्टोरिकल स्टडीज यूजिंग मोर देन वन केस फॉल ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरी, दैट इज कंपैरेटिव हिस्ट्री एंड कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो स्कॉप पॉल जो लेडी हैं, उन्होंने, जो थिंकर हैं, उन्होंने बोला है कि कंपैरेटिव हिस्टोरिकल जो स्टडी है उसमें हम कंपैरेटिव हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री को कंपेयर करना, और सेम हिस्टोरिकल एनालिसिस अलग अलग देशों के जो हिस्ट्री है, कोई ऐसे इवेंट हुआ, जैसे हम बात करें वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट, सोवियत का डिसइंटीग्रेशंस, अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द हिस्टोरिकल एनालिसिस पार्ट में ये आएंगे। तो ये पूरा हिस्टोरिकल मेथड है। सो ये दीज आर द मेथड्स विच इज़ यूज बाई वेरियस स्कॉलर्स एंड पोलिटिकल साइंटिस्ट फॉर कंपेयरिंग द पॉलिटिक्स। सो इट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और कभी भी लाइफ में गिव अप ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। खूब मेहनत करें, थैंक यू सो मच।